बेस रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है ना, ये एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को क्रॉसपॉन्डिंग सिमेट्रिकल एल्केन में बदलते हैं। यहाँ भी एक वर्ड है सिमेट्रिकल एल्केन, फिर से पूरा सुनिएगा। कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिससे हम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है उसको सिमेट्रिकल एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपके पास पोटेशियम सॉल्ट है या फिर आपके पास सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे ही आप इसका वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, मिलकर आप तैयार रहिए कि आपके पास बनना है एल्केन, साथ में बनेगा CO2 गैस, साथ में बनेगा वाटर H2 और अगर पोटेशियम सॉल्ट लिए हैं तो KOH और अगर आप सोडियम सॉल्ट लिए हैं तो NaOH का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको क्या क्या सीखना चाहिए, आपको ये समझना होगा कि जो यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ये आपको एनोड पे मिलने वाला प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगा और ये आपके सॉल्यूशन में रहेगा। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लेंगे तो याद रखना कि हमेशा उस केस में अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे आपको आर आर के फॉर्म में एल्केन मिलेगा, CO2 गैस रिलीज होगा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KOH और NaOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम इसका एग्जांपल देखो, मान लो आप CH3COO-Na+ लेते हैं और आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो आप प्रोडक्ट में एल्केन का नाम बताइए जो एल्केन बनेगा। देखिए ध्यान से और एल्केन का नाम बताइए, इथेन मिलेगा, साथ में CO2 गैस होगा, साथ में H2 होगा और साथ में NaOH। अगर आप इसके जगह पे ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं CO-Na+ और आप इसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा, बताओ इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम बोलो। प्रोडक्ट का नाम बोलो जो एल्केन बना उस प्रोडक्ट का नाम है, वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन समझ गया, या साइक्लोहेक्साइल पहले अल्काइल बोल दो बाद में एल्केन, साइक्लोहेक्साइल का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें आप कोई भी चीज निकालिए, जब आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये दिया है और हम बोल रहे कि देखो भाई इसका रिएक्शन कराओ NaOH/कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जो आपको मिलेगा वो केवल साइक्लोहेक्सेन होगा एंड मेथड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। सही है, और उसी का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा हुआ है दैट इज साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, और आगे देखो और चीजों को समझो। नाउ यू हैव मैकेनिज्म देखिएगा, बहुत आगे के क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। देख रहे हैं आप, उस कठिन में रहा देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ मैकेनिज्म आपके पास है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस Na प्लस। सबसे पहले ये सॉल्यूशन में जाके R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस और Na प्लस अलग हो जाएगा,
इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा सॉल्यूशन में होता है भाई, ध्यान रखना पानी में होगा तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे। अब आप आइए एनोड पे, बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बनाता है ओ का डॉट, आपको लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओ का डॉट देखो देखो समझो, ओ पे माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ओ पे माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, जब आप उसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ओ डॉट बचता है। अब यहाँ पे जो हमारे सामने आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ डॉट आया है, इसका मैकेनिज्म देखिए सर, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ। अच्छे से देखो मैकेनिज्म को समझो, आर और सी के बीच जो दो इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन सी पे भेज सकते हो, अगले स्टेप में सी से ओ की तरफ भेज सकते हो, या एक बार में दिखा सकते हो कि बॉन्ड की तरफ, ठीक है। और ओ का एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ आर डॉट होगा, समझ में आया? तो यहाँ बनता है आर का डॉट और साथ में बनता है सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, को आप शॉर्टकट में बोलते हैं सीओ को बन जाए, ठीक है। अब आपके पास है आर डॉट और फिर इसी तरह से घूमता हुआ एक और आर डॉट, दोनों आर डॉट अपना अपना बॉन्ड मिलाया और बन गया आर बॉन्ड आर। ये हो गया आपके एनोड का प्रोडक्ट, एनोड पे दो प्रोडक्ट मिल रहा था, एक था Lg और एक था CO2, ये रहा Lg ये रहा CO2। एनोड का जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब आओ कैथोड पे, कैथोड पे कौन है, तो रिडक्शन होना है, जो सॉल्यूशन के अंदर H+ है वो इस रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करके H में जाएगा। देखिए रिएक्शन हमेशा किस स्टेट में होता है, एटॉमिक स्टेट में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में? रिएक्शन किस फॉर्म में होता है, मतलब हम पूछ रहे हैं एटम्स के बीच रिएक्शन होता है कि मॉलिक्यूल्स? गलत है आपका कॉन्सेप्ट, रिएक्शन हमेशा एटम्स के बीच होता है, प्रोडक्ट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। H और H मिलके H2 बनाता है, कोई भी रिएक्शन कभी भी मॉलिक्यूल नहीं करता, मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके अपने बॉन्ड्स को तोड़ता है, एटम बनाता है, फिर एटम एटम आपस में है ना रिएक्ट करता है और तब फिर प्रोडक्ट जो बनता है वो फिर से एक मॉलिक्यूल बनता है, समझ गए? तो यहाँ देखो हम ऐसे लिखेंगे, ये ज्यादा सही है लेकिन गलत नहीं लिखना होता है आपको, यहाँ ये लिखना होता है दो एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बारी बारी से एच एच जो बना है दोनों एच एच आपस में कंबाइन करके एच टू बनेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहाँ मिला आपको, कैथोड में। अब जरा देखो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में हो रहा है कुछ ऐसा कि NaOH है दैट विल प्रोवाइड OH माइनस और OH माइनस की वजह से इंक्रीज इन pH, pH बढ़ जाएगा। अच्छा pH बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया या बेसिक? बेसिक। सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक, सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म टू कोलबेज रिएक्शन, या फिर बोलो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स आपके सामने आएगा, बुक पर इतना फिरा के रखें, फटाफट नोट करो।
30 सेकंड कितना का है रिकॉर्ड? कैसे रिकॉर्ड सर? जब 5 मिनट से 5 सेकंड से मतलब सबसे कम तुम बोल सकते का 3.2 सेकंड ये चैनल इतना तो हम लोग देखेंगे आप लोग का हो गया उधर नोट अगला देखना
बारीकी से समझे। CH2 bond CH bond CH2, यहाँ पे दे दिए CO4 minus Na+, यहाँ दे दिए CO minus Na+। बोलो तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, बोलो इसके इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, बोलो इसके इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, इसके इलेक्ट्रोलिसिस में बनेगा साइक्लोप्रोपेन। ए डॉट डॉट मिला दो, CH2 रहा, यहाँ का CH2 पे एक डॉट और यहाँ के CH2 पे एक डॉट, ये दोनों आपस में मिल गया साइक्लोप्रोपेन। अगला देखो, मेरे को कुछ करने दे रहा। यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है COOH और यहाँ है COOH, इसको पहले रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, बनेगा A, फिर उसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तुमको बताना है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन ऑब्टेन, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन ऑब्टेन, कितना अलग अलग तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नोट कीजिए इसका आंसर, जल्दी कीजिए। हो गया, अभी ठीक है? Yes, sir. वैसे जब आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे ना तो ये मेथड फिर से आएगा, ठीक है। दो मेथड है, दो साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से दिए हैं, एक है केवेंसन रिडक्शन और एक है पोल किस्मर रिडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज केवेंसन रिडक्शन, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद, कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल को अगर हम लोग जिंक एमलगम के साथ रिएक्ट कराएं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो जो आपको कार्बोनाइल वाला साइड दिखाई दे रहा है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग CH2 में बदल जाता है, इसको कहते हैं केवेंसन रिडक्शन। और इसी का दूसरा सेम कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट दैट इज कॉल्ड पुल किस्नर रिडक्शन, पुल किस्नर रिडक्शन, ठीक है। पुल किस्नर रिडक्शन का कहना है कि भाई आपके पास है एल्डिहाइड या कीटोन, इसको अगर आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कहते हैं NH2 बॉन्ड NH2, तो पहले ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ मिलके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाता है, हाइड्राजोन, ठीक
हाइड्राजोन, और इस हाइड्राजोन को अगर आप फर्दर QH के साथ रिएक्ट करा दें या फिर ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करा दें, QH के साथ या फिर ग्लाइकॉल के साथ, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में जाता है CH2। तो ये है आपके पास हाइड्राजोन। तो दोनों मेथड का अपने अपने जगह पे खासा इंपॉर्टेंस है, दोनों काम एक ही कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट को एक ही प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो कंसेंट्रेटेड एचसीएल में होता है, मतलब एसिडिक मीडियम में होता है, तो उसको आप बेसिकली वैसे ही रिएक्शन में यूज करेंगे जहां कंडीशन में एसिडिसिटी एसिडिक नेचर मेंशन। अगर आपके पास कोई रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के तौर पे अगर कोई बेस बन रहा होगा तो याद रखना प्रॉब्लम है, ये HCl खुद उस बेस से मिल जाएगा, रिएक्शन नहीं। तो ऊपर वाला जो पहला क्लेमेंसन रिडक्शन है प्रिफर्ड इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में प्रिफर होगा, और दूसरे वाले में देखो बेस है, तो एसिडिक मीडियम अगर आप इसको यूज कर लीजिएगा तो प्रॉब्लम है, ये बेस उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो दैट विल बी प्रेफर्ड इन बेसिक मीडियम, प्रेफर इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में प्रेफर किया जाएगा। जब एक बात समझ में आ रही है, एसिडिक मीडियम में किसको ज्यादा प्रेफर करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन को, रिएजेंट कौन है, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एचसीएल, और बेसिक मीडियम में किसको प्रेफर करेगा, उल्फ फिशनर रिडक्शन को, रिएजेंट कौन है, हाइड्राजीन फॉलोड बाय क्यूएच और अल्कोहल और क्यूएच और ग्लाइकॉल। अब देखिए ऐसे इस चीज को समझना, थोड़ा सा रिएक्शंस को देखिए और समझिए ध्यान। मान लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें है सर और इसमें मौजूद है COH। अब आपको इसको बदलना है, इसको बदलना है इसमें, अब आप बोलो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट यूज करेंगे फर्स्ट, अगर आप सेकेंड यूज करोगे तो QH इसके साथ रिएक्ट होगा, तो हम लोग यूज करेंगे जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl, और ये केवल यहां जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, एसिड एसिड के साथ नहीं, समझ में आया। वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे कोई है ना, ये सेकंड वाला हाइड्रोजन और QH लेता तो QH जाके यहाँ सॉल्ट बना, समझ में आ रहा, तो आपको इस तरह से सिलेक्शन करना पड़ता है। अगला एग्जांपल देखिए समझिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे COOH, इसको बदलना है इसमें, इसको बदलना है इसमें, और इसको बदलना है इसमें, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। बोलो तीनों केस में रिएजेंट, मैं पहला वाला दो बात है उनकी देखकर गिनते लिए से तुम्हारा ये डबल बॉन्ड को भी चला जाएगा और वो सॉल्ट भी बनेगा, तो सही है, यहाँ पे बस एनओएच लेना, एनओएच के लिए ना एनओएच। अब बोलो तो तीसरा वाला,
एल्युमिनियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या P4 इन प्रेजेंस ऑफ HI, P4 इन प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है पहले हो गया। यही सब था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जरूरत से ज्यादा बताएं दोबारा बताएं। के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन एकदम स्टार्टिंग में ही। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनए, देखिए एलके एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव पार्ट में, जितना ज्यादा रिएक्शन एल्कीन में या एल्काइड में होता है या फिर आगे एल्काइड हैलाइड है और भी आप पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन सब पढ़ेंगे, सब में कोई ना कोई एक्टिव साइट है या एक्टिव साइट को बनाने वाला कोई मौजूद है। आप समझने का कोशिश करो, एल्केन में एक्टिव साइट बनाने वाला कोई नहीं, एक्टिव साइट कहने का मतलब प्लस माइनस बनाने वाला कोई नहीं। तो एल्केन का जो रिएक्शन है वो बेसिकली एक खास रिएक्शन के अंतर्गत घूमता है और वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसका हैलोजिनेशन। एल्केन के केस में रिएक्शन बहुत लिमिटेड है, कारण है उसका एक्टिविटी काफी कम है, उसके अंदर एक्टिव साइट्स नहीं है या कम है। एल्केन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें सबसे पहला पार्ट आता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन HNO तो बनता है CH3Cl क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म में CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। इसी को अगर आप अलाउ कर दीजिएगा फर्दर रिएक्शन के लिए तो धीरे धीरे करके एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा और फाइनली आपके पास क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा
और अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो कार्बन ब्लैक लास्ट में बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के इर्द गिर्द है ना सबसे पहला और मेजर सेक्शन बनता है और मैकेनिज्म जिसको आप कहते हैं प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आप इसमें देखिए, ठीक है। नीचे लिखो फर्स्ट, सबको लिखना साथ में, फर्स्ट में लिखो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन लिखना। When alkane react with Cl2 in presence of photon, Cl2 in presence of photon, chlorine Cl2. When alkane react with chlorine Cl2 in presence of photon, then due to free radical substitution reaction, alkyl halide will form. Then due to free radical substitution reaction, alkyl halide will form. आराम से समझिए, बड़ा पोर्शन स्टार्ट है। तो होता क्या है कि जब आप CH4 को Cl2 से रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन HNO, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्लोरीन आ जाता है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्लोरीन आता है। अगर आप इस रिएक्शन को अलाउ करते हैं, एक Cl2 इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो जो आगे बना हुआ CH3Cl है ना, वो फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा CH2Cl2। इसको फिर से क्लोरीन के साथ अगर तुम छोड़ दिया तो बन जाएगा CHCl3, और इसको भी अगर तुम क्लोरीन के साथ छोड़ दिया तो फाइनली बन जाएगा CCl4। समझ आया? एक एक करके सारा हाइड्रोजन हट जाएगा। अगर आप क्लोरीन को मौका दीजिएगा, एक्सेस में रहेगा क्लोरीन, तो वो एक एक करके सारा हाइड्रोजन हटा देगा। रिएक्शन कौन है? तो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। और उस सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में हम एक खास वर्ड बोले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तुमको कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है? कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है? किसको कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सही है। लेकिन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये कैसे समझ? हाइड्रोजन निकाल दे रहा है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये तुमको कैसे पता? अब काम आएगा जीओसी, जो तीन महीना चार महीना से पढ़ा, आप रिएक्शन के ऊपर देखिए फोटोन लिखा, और आपको बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन अगर फोटोन में हो रहा है, यूवी रेस में हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है, हाई टेम्परेचर में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, याद है? तो यहाँ दो चीज, एक तो तुम सब्स्टिट्यूशन डिसाइड किया ये देख के कि हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है, सही है, और दूसरा प्रोटॉन देख के तुम बोला मैकेनिज्म कैसा, तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, इजी नहीं है, इजी क्या है, इतना तुम बुक में देखेगा खुश हो जाएगा क्या होंगे, लेकिन इतना नहीं। अगर चीज समझना है तो पूरा डेप्थ तक जाओ। देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आप पहला मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। याद कीजिए, आपको एक दिन पूरा चार्ट बना दिया गया था कि रिएक्शन में तीन हिस्सा होता है, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। एडिशन का भी तीन हिस्सा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। सब्स्टिट्यूशन में भी आपको तीन चार हिस्सा दिया गया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या चल रहा है
इस केस में हमेशा ध्यान रखना कभी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन रहेगा, ये हमेशा तीन स्टेप में होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये हमेशा तीन स्टेप में होता है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, इसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन, ये प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है। और थर्ड, हम तो नाम पहले लिख दिए, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन नाम पहले लिख दिए, ठीक है, जो नाम बदल लिखते, टर्मिनेशन, एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन खत्म होगा, रेडिकल्स आपस में मिलके, रेडिकल्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना के साथ हो जाए, ठीक है। रेडिकल सुपर एक्टिव है, रेडिकल मतलब एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, सुपर एक्टिव, वो कभी अपने अकेले रह ही नहीं सकता, वो किसी ना किसी को ले लेगा, ठीक है। तो जो बाद में बचा हुआ रहता है, जितना भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 10 20 50 जो भी बच गया है, वो सब आपस में मिलके रिएक्शन को खत्म करता है, उसको कहते हैं टर्मिनेशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तीन स्टेप में होगा। पहला है इनिशिएशन, जिसमें हमारा रेडिकल बनता है। दूसरा है प्रोपगेशन, जिसमें हमारा रेडिकल रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है। प्रोपगेशन भी दो स्टेप में होगा, प्रोपगेशन के अंदर भी दो स्टेप, स्टेप वन स्टेप टू। उस स्टेप वन और स्टेप टू में है ना, ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको स्टेप वन और स्टेप टू ऐसे लिखना है कि वो खुद ही अपने आप को रिपीट करे। स्टेप वन में जो कंज्यूम होगा स्टेप टू में बनना चाहिए, स्टेप वन में फिर कंज्यूम होगा, फिर स्टेप टू में बन जाना चाहिए, फिर स्टेप वन में कंज्यूम होगा, फिर स्टेप टू में बनना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। इतना ज्यादा ठीक आ गया है, क्लियर कैसे होगा, बस ध्यान में लगाते चलो, देखते चलो। चलिए रिएक्शन था सीखते, मान लीजिए आपके पास है CH3 बॉन्ड, CH3, इसको आप क्लोरीन से रिएक्ट कराएं प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोडक्ट के तौर पे आ गया CH3 बॉन्ड CH2 के साथ Cl, और साथ में बन गया HCl। हम आगे का बात नहीं करेंगे, जो आप एक बार मैकेनिज्म सीखेंगे वही अगले स्टेप, वही अगले स्टेप, वही अगले स्टेप में काम करते रहेंगे। देखिएगा इसका मैकेनिज्म, पहला इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या करना है आप लोगों को, रेडिकल बनाना, इनिशिएशन में क्या करना है आप लोगों को, रेडिकल बनाना, इनिशिएशन में क्या करना है, रेडिकल बनाना। तो देखो क्या होता है, यहाँ काम आएगा होमोलिटिक बॉन्ड प्रेजेंट जो बोल रहे थे। देखो CH2 में दो क्लोरीन, जब आप इसको प्रोटॉन के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये बॉन्ड डी से होमोलिटिक की बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन लेगा, दो CH डॉट बन जाएगा। बोलो समझा, पहला स्टेप समझ में आया, CH डॉट, ठीक है, ये इनिशिएशन। आप दूसरे पे आ जाओ, प्रोपगेशन, हो चुके हैं प्रोपगेशन में दो स्टेप होगा। स्टेप वन, बी केयरफुल, नोट ना करें, ध्यान से देखें, नहीं समझ में आया जी इतना आसान नहीं है, सबसे आसान पता है तुम्हारे लिए क्या है, जो तुमको सबसे हार्ड लगता है, रिएक्शन याद समझा, सबसे आसान इन डेप्थ अगर पढ़ाई करने लगोगे तो तुमको हर एक चीज बारीकी से देखना पड़ेगा, और अगर ये बारीकी से देखा तो फिर रिएक्शन याद करना नहीं पड़ेगा, सब चीज मिला। तो स्टेप वन क्या, स्टेप वन में होता कुछ ऐसा है कि CH3 CH2 और एक H, ठीक है, CH3 CH2 और एक H, बगल में मौजूद है CH डॉट। हमेशा रिएक्शंस का एक रूल है,
कैसे आप लिखते हैं? अगर हमारे पास आयंस है तो वो आयन के साथ मिलेगा, अगर हमारे पास रेडिकल है तो वो रेडिकल के साथ मिलेगा। आयन को रेडिकल के साथ मत मिलाओ। क्या बोले? अगर आयन है, जैसे प्लस है तो माइनस से मिलेगा, माइनस है तो प्लस से मिलेगा, आयन आयन से मिलेगा। और अगर रेडिकल है, डॉट है, तो वो डॉट से ही मिलेगा, वो प्लस से माइनस से नहीं मिलेगा। देखो क्या यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से दो में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाया, तो क्या हमारे लिए बगल में CH3 बॉन्ड CH2 का डॉट आ गया? उधर दिखाई दे रहा है सारा कुछ? यस सर। ये स्टेप वन। अब स्टेप टू आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कौन है रेडिकल जो अब बन गया है CH3 CH2 डॉट, और आपके पास है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो आपको बोल सकता है कि सर CH डॉट है, CH डॉट नहीं है, CH डॉट तो फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हुआ, आपके पास CH2 है क्लोरीन। फिर वहां यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, और एक क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ मिल गया, तो क्या बन गया? CH3 CH2 के साथ Cl, और एक बन गया CH डॉट। CH डॉट फिर जाएगा इथेन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। पहला मॉलिक्यूल में सोच लेना, हो गया। अब CH डॉट जो फर्स्ट स्टेप पे कंज्यूम हुआ वो फिर से बन गया, CH डॉट जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर ये कहानी चला यहाँ तक, फिर एक CH डॉट बन गया, फिर CH डॉट जाएगा तीसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर ये कहानी चलेगा दो लाइन, फिर एक CH डॉट बन जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस हो जाएगा, होने में आधा घंटा एक घंटा जो टाइम लगना है लगने, रिएक्शन चलता जाएगा। बताओ आपको क्या मिलता जाएगा? आपको ये मिलता है, और बताइए आपको क्या कंज्यूम आप करते जाएंगे? आप हर बार क्लोरीन CH2 कंज्यूम करेंगे और इथेन कंज्यूम करेंगे, CH2 और इथेन कंज्यूम करेंगे, आपको ये मिलता जाएगा, ये मिलता जाएगा, बोलो है ना, लगातार रिपीट होते रहे, ठीक है। आप सुनिए, होने दीजिए, आपको खत्म तो करना होगा ना रिएक्शन, ये आप मत सोचिए कि आप खत्म कीजिएगा। रिएक्शन बहुत समझदार है, मॉलिक्यूल्स बहुत समझदार है। अगर कोरोना वायरस समझदार नहीं होता तो हम लोग कभी का उसको मार मार के फेंकते तो रहते, बात समझ आ गई? इतना समझदार है कि जो बना रहा हम अगले स्टेप आगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो आपके पास क्या क्या बच सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है डॉट के बचने का, जो डॉट बन रहा है वो समझ सकता है। जैसे मान, जैसे तू बोला कि नहीं सर देखिए ना हो रहा था रिएक्शन, सब खत्म हो गया, अभी वाले बच गए। सर रिएक्शन हो रहा था और क्लोरीन बच गया, और तो बच सकता वो? देखो अगर ये और ये बचा था तो तुमको प्रोडक्ट मिल गया, तो जब तक ये दोनों बन रहेगा तब तक तो आपको है ना रिएक्शन भुगने का नाम नहीं, तो चलते फिर मान लो क्लोरीन पूरा खत्म हो गया और वो बन गया, अब क्या होगा? ऐसा ऐसा दो को आपस में मिल लेगा, रिएक्शन को खत्म तो करना है, रेडिकल रेडिकल फॉर्म में नहीं रह सकता। ऐसा ऐसा दो को आपस में मिल लिया, जैसे ही दो को आपस में मिला तो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 CH3? बोलो दो को ये मिल जाएगा पते को, ठीक है। मान लीजिए रिएक्शन चल रहा था और ये खत्म हो गया, ये बच गया, तो ये बच गया दो को मिल के CH2 बन गया। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, इतना जल्दी खत्म नहीं, जल्दी जल्दी करो।
से पता चला ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है प्रोटॉन से, और कौन कौन है जिसको देखेगा तो तुम याद कर लेगा ये फ्री रेडिकल है। यूवी रेज, सनलाइट और हाइड्रोजन हीट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज पेरोक्साइड, देखिए आप कुछ है ना इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां आपको है ना कंसीडर करना पड़ेगा, रिएक्शन ये सब समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टर इंटरमीडिएट के तौर पे कौन था? आपने बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट सुने ना, कार्बन कैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, यहां कौन था? अल्काइन है। रेडिकल रेडिकल बोल रहा आदमी, फ्री रेडिकल कार्बन का डॉट, अब कैसे बोलेगा? भगवान से मनाओ कि पांचवा भी बात है, उसी माइंडसेट में निकल लो, पता चला 12 पास हो, खतरा है। हर जगह आदमी बोल रहा है रेडिकल रेडिकल, आप लिए ना बताना जरा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन रेडिकल ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री। आप लोग सबको नहीं बोलते, एक्चुअली कोई बोलता है 3, फिर उसके बाद आपको फॉलो, ठीक है, जिसको बोलना हो कहा 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्यों ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू 2 डिग्री, बोलो कौन बोलना है? तुम बोलना चाहता है, बोलो। हाँ अनुवाद कीजिए फिर, हाँ तो गलत हो गया, अनुवाद सोचता है। हाँ और कोई बोलना चाहता है? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ बोलो, अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सब कर इफेक्ट, ऐसे बड़ी इफेक्ट ना,
हाइड्रोजन तो हाइपर कंजुगेशन है ना, नहीं आप समझिए जीओसी पढ़ा, जीओसी पूरा नहीं सर, एक नंबर एक से याद कर रहे हैं, पीछे वाला खा पका के बराबर कर दीजिए सर, जब रिएक्शन याद कर लेंगे तो फिर पीछे वाला पढ़ेंगे। अच्छा तो पीछे वाला पढ़ेंगे फिर रिएक्शन खा पका के बराबर क्या बोलते हो, तब तक एग्जाम आ जाएगा सर, फिर एक डिसीजन लेंगे एक बार और गली ब्लॉक में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर छठा वो लेगा तो बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन की बचत होगा, इसके
फ्लोरीन स्मॉल साइज का एटम जिसके ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता है, हाई नेगेटिव चार्ज। जैसे देखो ये है क्लोरीन जी और ये फ्लोरीन जी, आप दोनों के ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज दिए, इसका साइज छोटा होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा, इसका साइज बड़ा है नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी थोड़ा कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी। अब इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने का एबिलिटी कम, इस पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन लेने का एबिलिटी ज्यादा, इसलिए इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका। अब इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसलिए जब आप फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो एटम एटम में खुद ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है कि दोनों एक दूसरे को धकेलते रहता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, समझे, इसलिए उसका एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेजी से रिएक्ट करता है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन, इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज के दोनों रख दो परफेक्ट, ठीक है, तो आयोडीन का एक्टिविटी सबसे कम, क्लियर हो एक चीज। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ो, फ्लोरीन का रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि वो जनरल केस में उसको लेते नहीं है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। सो नॉर्मल केस में फ्लोरीन का रिएक्शन आप नहीं पढ़ेंगे, और आयोडीन में खेल है, आयोडीन का खेल समझ लो आज का खेल खत्म। आयोडीन क्या करता है देखना जरा, जब भी आपके पास कोई एक एल्केन होगा और आप उसको आयोडीन से रिएक्ट करा दिए तो बन जाएगा आरआई और साथ ही बन जाएगा एचआई, बोलो समझा, ये तो पढ़ा दी, ठीक है, आरएच था उसको हम लोग सीएल2 के साथ रिएक्ट करा दिए तो एच हट के सीएल आ गया, उधर एचसीएल बन गया, यही बन गया। पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एचआई जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे से समझना, ये सब क्वेश्चन है, सीधा हम उसी पे काम करते हैं, जो क्वेश्चन आता है पूछा गया वही सब क्वेश्चन पे काम होता है। जब आप एल्केन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्काइल आयोडीन के साथ एचआई बनेगा जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिड्यूसिंग एजेंट का एबिलिटी है ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट एचआई रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब ये कि रिएक्शन पीछे आ जाता है यार, रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाएगा और बैकवर्ड में भी आएगा, रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, आरआई प्लस एचआई। अब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आगे जा रहा पीछे जा रहा आगे जा रहा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का नेचर। तो अगर हम केवल अल्काइल आयोडाइड ही बनाना चाहते हैं तो हमको है थोड़ा ली चैटेलर प्रिंसिपल का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम केवल एक चीज जानते और तो हम केवल वही का बात करते, हम तुमसे पता है क्या बोलते कि देखो जी ये एचआई हटाते जाओ रिएक्शन आगे आएगा, वो पता है इसको लिचेटेल प्रिंसिपल, आपको पता है ना लिचेटेल प्रिंसिपल में अगर आप प्रोडक्ट हटाएंगे तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो एचआई को हटाना पड़ेगा टू मेक इट इरिवर्सिबल, HI is removed by using a strong oxidizing agent. Oxidizing agent में आप HI
फायदा नुकसान का पढ़ाई होता है। इसको लेने से फायदा ये होगा कि एच आई जब रिएक्ट करेगा एच आई ओ थ्री के साथ तो ये बन जाएगा पानी और आयोडीन, तुमको दो फायदा होगा। नीचे डिनर रिएक्शन नीचे डिनर प्रिंसिपल के हिसाब से तुमको दो फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा, उधर दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे सारा ब्लू से जो लिख रहा है? Yes, एक फायदा ये होगा कि एच आई कंज्यूम होगा, और दूसरा क्या फायदा होगा? आयोडीन बन रहा है मतलब रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है तो रिएक्शन इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन। दो कहानी एक साथ चल, एक प्रोडक्ट हट रहा है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और दूसरा रिएक्टेंट बन रहा है तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं आर बॉन्ड एच प्लस एच आई, और आप एरो के ऊपर देखिएगा लिखा रहेगा एच आई ओ थ्री। केवल एरो के ऊपर लिखा है एच आई ओ थ्री, हम केवल एच आई ओ थ्री के बारे में समझाने के लिए यहाँ से यहाँ लिखा क्यों लिखा है एचआईओ3 या एचएनओ3, उसके पीछे का कारण है कि जो यहाँ पे एचआई बन रहा है, हेलो बोलिए क्या के ऊपर जो यहाँ पे एचआई बन रहा है वो एचआई इसके साथ रिएक्ट करता जाए और रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल। एरो देखो रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल हो गया इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीजन, क्लियर है? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन आप नहीं लेंगे, कारण है क्या? रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो मेनली आपको जो बुक सब में रिएक्शन मिलने वाला किसके साथ मिलने वाला? क्लोरीन और ब्रोमीन, उसमें भी खेल है वो हम लोग अगले दिन खेलेंगे, ठीक है? क्या नोट कर लेते हैं आज मैकेनिज्म का पहला चीज के देख रहे हैं, उसके बाद ध्यान रखेंगे अगले दिन बैठिएगा तो क्या पढ़ जाइएगा। चलो ठीक है, हो गया, माफ करें। Yes, sir.